हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज सेट्स, और इसमें पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके ऊपर पूरा तरह से डिपेंड करता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देन सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बड़ा आसान चैप्टर है, इसके पहले वाला वीडियो चेक कर ले, उसमें सब कुछ डिटेल में एक एक टाइप को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड करिए, और डिसाइड करते वक्त जरूर रीजन जरूर बताइए, क्योंकि उन्होंने बोला है डिसाइड एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो आप जो भी बताएंगे उसके पीछे रीजन जरूर देना है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब देखो, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसमें तीन सेट्स दिए, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और हमें बताना है कि ये तीन सेट्स इक्वल है या नहीं है, या इनमें से कौन से दो इक्वल है, जो भी है हमें बता देना है। तो ठीक है, पहली बात कि इस सेट में कौन है, तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और पहले सेट ए को हम समझते हैं कि इसमें कौन है। ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x-1 इज इक्वल टू 2। तो इस सेट में वो आएगा x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो ये कौन है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, 3x-1 इक्वल्स टू 2, मतलब ही क्या, 3x इक्वल्स टू माइनस वन राइट साइड में जाएगा, 2 में ऐड होगा, तो 2+1=3, तो ये आ गया 3। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 1। तो इस सेट में कौन है, तो 1, तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे। Therefore, सेट ए में कौन है, 1। ये जो रूल मेथड था इसको हमने लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये समझ लेने जरा आसान रहता है, दिखता है, राइट, मतलब हमें समझ में आएगा ना कि अच्छा इसमें 1 है करके। तो पहले हमने सॉल्व कर लिया, ये इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन है वो एक्स इसके अंदर है, तो एक्स कितना है, 1। तो इस ए में कौन है, बस ओनली 1 एलिमेंट, और वो 1 एलिमेंट खुद 1 है। सेकेंड, बी कौन है, x इज अ नेचुरल नंबर है, लेकिन वो तो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। अब ये क्या हो गया, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ वो खुद और 1 ही फैक्टर रहेगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं रहेगा। तो ऐसा जो ये जो नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और ये अकेला पूरी दुनिया का प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ओके, तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 1 जो है वो तो ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, तो इसका मतलब बी के अंदर कौन आने वाला है, तो बी के अंदर भी आएगा 1, क्योंकि ये ही अकेला है वो जो ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। यस, राइट, ओके। तीसरा सेट पे चलिए भैया, तीसरा सेट इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। सी क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एन एंड लेस देन 2। अब आप तो इतना आसान है, देखिए ना, नेचुरल नंबर्स में 2 से छोटा कौन है, अकेला 1 एंड ओनली 1, तो ये आ गया सी के अंदर 1। क्या दिख रहा है हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 जो है वो ए में भी है, बी में भी, सी में भी, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सेट के अंदर ये एक ही सेट है लेकिन नाम अलग अलग है, इसका मतलब तीनों सेट्स कैसे इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अब इतना बोलने के बाद और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये तीनों सेट्स कैसे है, इक्वल है, दैट इज ऑल आर इक्वल, डन। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि उन तीनों में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। डिसाइड वेदर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट, अब इसमें क्या दिया है उन्होंने, ए कौन दिया है, बी कौन दिया है, वो देखते हैं, ए और बी कौन दिए हैं वो चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए में कौन है, तो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, हमने पढ़ लिया है। 2 में क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, और ए कौन है, इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स। और बी में कौन है भैया, बी में दिया है एक्स सच दैट 7x-1=13, तो ये तो पहले जैसे ही, इसके पहले जैसा हमने जो किया, और बता देना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। अब भी इसके पहले एग्जांपल में मैंने बताया था आपको कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बताइए इस सेट में कौन आएगा,
तो ए में सीधा सीधा है, हम लिखेंगे इसको, ए के अंदर कौन आने वाला है, टू, इसको दे दीजिए इक्वेशन वन। अब सॉल्व करेंगे हम बी को, तो 7x-1=13, तो 7x जो है वो माइनस वन उधर जाएगा, 13+1 तो ये बन जाएगा 14, 7x=14, तो x की जो वैल्यू है वो 14/7 मतलब 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई है, इसका मतलब ये जो सेट b है इसमें कौन जाएगा, तो 2 जाएगा। अब देखिए आप, a में भी 2 है, b में भी 2 है, इनके अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल रहा है हमें, सेट a इज इक्वल टू सेट b। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों में एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, इनमें से कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब खाली है, और खाली का मतलब पूरा खाली है, उसके अंदर कोई है ही नहीं, सिर्फ दीवारें बनी हुई है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं है, इसका मतलब ये जो है सेट भैया ऐसा रहने वाला है, टिकने वाला है। इसका हमने और एक तरीका था सेट को लिखने का, या फिर ये क्या कहते हैं इसको, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, नल हमारा वाला नहीं, नल मतलब खाली, खाली खाली मीन्स एम्प्टी, तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, या फिर सेट के अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए, जीरो भी नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। बात हो गई है, चलिए आइए सीधी सीधी सिंपल बात है, भैया सेट को देखो, उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि सेट में कोई है भी या नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर ए पे जाएंगे, देखो क्या बोला है, सेट ए जो है वो सारे एलिमेंट्स का है, लेकिन ए है कौन, तो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। ओह माय गुडनेस, इन्होंने तो डेफिनेशन ही पूरी चेंज करने की कोशिश की है भैया, हमें बताया गया है बार बार बहुत बार बताया गया है, नेचुरल नंबर जो है वन से स्टार्ट होते हैं, और ये बोल रहे कि वो नेचुरल नंबर जो वन से छोटा है कहां से लेके आए हम, है क्या हमारे पास, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला कोई नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब इस सेट में कोई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब सेट के अंदर कोई भी नहीं, पूरा खाली, राइट, तो ए जो है वो एम्प्टी सेट है, ए इज दिस लाइक दिस बिकॉज रीजन दे दीजिए, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, कोई है ही नहीं, डन, ये पहली चीज हो गई। दूसरा ओके, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है ना, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, और ये तो एम्प्टी सेट हो गया, देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट, ये रीजन दे दिया हमने, हो गया खत्म, ये फर्स्ट की बात होगी, ए जो है वो एम्प्टी सेट है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, खत्म। बी पे आइए, बी क्या बोल रहा है, बी ओके, बी बोला है हमें इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, किसका स्क्वायर जो है वो जीरो है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जीरो है, नेचुरल नंबर बोला है यहाँ पर, बोला है कुछ नहीं बोला, मतलब पूरे रियल नंबर पे, पूरे कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर जीरो है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, अरे भैया जीरो इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज जीरो, यस ये जीरो है, इसका स्क्वायर करिए आंसर कितना आएगा, जीरो, मतलब ऐसा कोई ना कोई एग्जिस्ट होता है, तो वो कौन है, जीरो, जीरो एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो बी है ना, बी सेट खाली नहीं रहने वाला, तो बी जो है उसको ऐसा लिखेंगे हम, चालू करेंगे सेट, इसके अंदर जीरो लिखेंगे और बंद कर देंगे। अब बताइए बी खाली है क्या, नहीं है, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, जीरो बैठा हुआ है, मतलब खाली नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट न ही है, क्या लिखा भैया। नेक्स्ट थर्ड कहा है, इधर है सी, सेट का नाम क्या, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x-2=0, बताइए, और जो एक्स है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कोई आ गया तो चलेगा नहीं हमें, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कंडीशन क्या दी है, 5x-2=0, इसका मतलब 5x = 2, x = 2/5, और लेकिन x को नेचुरल नंबर बोला है, तो बताइए x नेचुरल नंबर है क्या, x की वैल्यू कितनी आई, 2/5, लेकिन हमारा आंसर कितना आया, हमें क्या बोला है x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, अरे लेकिन 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब इस सेट में कोई रहेगा क्या, नहीं,
नहीं समझ ली है आप लोग, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, आंसर कितना है 2/5। लेकिन चुपचाप से देखो इधर में क्या लिखा हुआ है, चुपचाप से देखो क्या लिखा हुआ है इधर में लिखा हुआ है कि एक जो है ना वो नेचुरल नंबर है। लेकिन 2/5 नेचुरल नंबर है क्या? ना, ये तो कौन है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन नेचुरल नंबर रहता है क्या? नहीं रहता। इसका मतलब ये जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन रहेगा? मैं भी नहीं रहने वाला हूँ, कोई भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे, खत्म। ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट रहेगा। दैट इज सी इज एन एम्प्टी सेट, खत्म हो गया। इस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? राइट, विथ रीजन, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं की जाती है मैथमेटिक्स में। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए रीजन देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दे रहे इसका मतलब आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है। तो राइट, विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। किसको कहते हैं फाइनाइट? अगर सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स है कि हम उनको गिन सकते हैं, मतलब अगर वो काउंटेबल है जिनको हम गिन सकते हैं, तब हम कहेंगे कि फाइनाइट है। और अगर इतने एलिमेंट्स है कि उनको हम गिन ही नहीं सकते, तो हम बोलेंगे अनकाउंटेबल है, मतलब वो इनफाइनाइट है। बड़ा आसान सा डेफिनेशन है इसका। ओके, पहला सेट, और हमें रीजन के साथ सॉल्यूशन लिखना है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अरे क्या बात है, फट से दिमाग में आ गया, 1 से लेकर 9 तक वी कैन काउंट। इसका मतलब ये जो है सेट कैसा रहेगा? नेचुरल नंबर। सेट कंटेन्स, दिस सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देयरफोर इट इज अ फाइनाइट सेट। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं आप इसको ऐसा लिख लीजिए ना, ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 8 तक नहीं, 9 तक लिख लीजिए। अब बताओ कि सेट जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये कैसा है? फाइनाइट है, खत्म। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? V इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1 से छोटा, रियल नंबर लाइन पे जाएंगे हम। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स आर इनफाइनाइट, पॉजिटिवली इनफाइनाइट, नेगेटिवली इनफाइनाइट, इनको गिना नहीं जा सकता। अब बोला है कि y जो है वो -1 से छोटा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब y जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, रुकने वाला है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट रहते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल सकते देर आर अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट भी आप यूज कर सकते, देर आर अनकाउंटेबल इंटीजर्स लेस देन -1। ओके, देयरफोर बी इज एन इनफाइनाइट सेट। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग, इनफाइनाइट सेट, शायद ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। सी इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। कोई भी स्कूल कंसिडर कर लीजिए, छोटी बड़ी बहुत बड़ी या बहुत बहुत बड़ी, क्या जितने बच्चे हैं उनको हम गिन सकते? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, उससे बड़े ज्यादा रहेगा नहीं। इसका मतलब ये जो है इसको हम गिन सकते हैं। सो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? देखो, हमें फाइनाइट इनफाइनाइट करके छोड़ देंगे तो पूरा मजा नहीं आएगा। हमें क्या करना है? रीजन बता देना है। रीजन देती है मतलब हमें अच्छे से आता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल Can be counted. Therefore, ये सेट को नाम के दिए, C is a finite set. बस बहुत बढ़िया आंसर हो गया। Next is set of people from your village. अब वैसे तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है विलेज, तो ठीक है आप कोई भी विलेज उठा लीजिए इंडिया का या कहीं का भी। आप यूएस में रहते हैं, कोई बात नहीं, यूएस का कोई भी विलेज उठा लीजिए और गिनिए कितने लोग रहते हैं वहां पर, तो आपको एक नंबर मिलेगा। फिर से 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी क्योंकि वो सिटी में चला जाएगा, इतनी पॉपुलेशन रहेगी। तो बाय द वे, बात हम इस चीज की कर रहे हैं कि फाइनाइट ही रहने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग रहेंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द पॉपुलेशन। अरे भैया, पूरे अर्थ का पॉपुलेशन पता है हमें, इंडिया का पॉपुलेशन पता है, तो विलेज क्या चीज है? विलेज का तो पॉपुलेशन हमें पता ही रहता है, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, यस। तो सो नंबर ऑफ पीपल, रीजन लिखने का तरीका क्या रहेगा? नंबर ऑफ पीपल
फ्रॉम अ विलेज, फ्रॉम अ विलेज क्या है, आर फाइनाइट, आर फाइनाइट, आर फाइनाइट, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट. आई होप हैंडराइटिंग इज लेजिबल, राइट. नेक्स्ट, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कितनी चीजें हैं जिसको हम फोड़ फोड़ कर सकते हैं या उसका हम सही यूज कर सकते हैं, तो बताइए. फाइनाइट रहेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, गिन सकते हैं उसको. मतलब अगर लेबोरेटरी सजानी है तो हमें खरीद के लेके आना पड़ेगा, राइट. तो दैट कैन बी काउंटेड, इसका मतलब ये भी जो है वो फाइनाइट ही है. लेकिन कैसा, तो एपरेटस, एपरेटस, एपरेटस इन अ लेबोरेटोरी कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, therefore it is a finite set. Good. Last one. Set of, oh sorry, second last. Set of whole numbers. Whole numbers? कुछ बताने की जरूरत है इसके बारे में? नहीं. होल नंबर्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, जीरो से स्टार्ट होंगे बट इनफाइनाइट. तो आप यहां पे बोल सकते हैं होल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट. लास्ट वाला, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्या बताओ इसके बारे में? रैशनल नंबर तो होल नंबर्स का सुपर सेट होता है. पढ़ाई के लिए हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब अब यहां पर भी हम रीजन कह देंगे, रैशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट. दैट्स इट. चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. There is no further question. So, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.